सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच. हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज के वीडियो में मैं आपको एक किट दिखाने वाली हूँ विच विल रियली हेल्प यू इफ यू आर अ बिगिनर एट मेकअप. मैंने ये वीडियो ऑलरेडी एक बार किया हुआ है, स्टार्टिंग में किया था. अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं. पर उस किट में मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखाए थे और मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे. आज मैं आपको ये किट दिखाने वाली हूँ जो आपको बहुत मदद करेगा. दिस इज बिगनर्स किट. अगर आप मेकअप में नए हो तो मैं आपको बताऊंगी आपको क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो आपको सीरियसली हेल्प करेगा. क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट्स को हमेशा यूज करती हूँ. मैं तभी करती थी जब मैं बिगनर थी मेकअप में और मैं अब भी करती हूँ. बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं दिखाने वाली हूँ दे आर रियली गुड, दे आर इजिली अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. So before I start this video, I request you all to please subscribe. अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए और उस bell button पे भी click कीजिए. With that, let's start with today's video. ये है वो kit. हम एक एक करके देखते हैं कि मैंने आपके लिए beginners के लिए क्या kit choose किया है. तो सबसे पहले primer, जो सबसे important होता है, वो सबसे पहला step होता है. मैंने ये एलिगर्ल प्रो प्रेप प्राइमर यूज किया है बिकॉज ये जेल बेस्ड है. अगर आपका स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, एनी काइंड ऑफ स्किन यू हैव, दिस विल रियली हेल्प यू बिकॉज दिस इज अ जेल बेस्ड प्राइमर. तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड होगा और आपके जितने भी ओपन पोर्स है उसे बहुत इजीली क्लोज करेगा. ये छोटा सा है, मुझे पता है थोड़ा सा महंगा है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है. ये बहुत दिनों तक भी चलता है. छोटा सा है लेकिन बहुत कम जरूरत है इसकी, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. तो इस प्राइमर को आप जरूर खरीदिए क्योंकि ये HD हाई डेफिनेशन स्मूथिंग प्राइमर है. मतलब आप जो फोटोज वगैरह लेती हो तो भी आपका स्किन इस अगर आप ये लगाओगे तो बहुत ग्लो करेगा. अगर आप पार्टीज में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो तो भी आप इस प्राइमर के ऊपर मेकअप लगाओगे तो मेकअप बहुत सुंदर लगेगा. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. अब चलते हैं फाउंडेशन में. यहाँ पे भी मैं एलिगर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी बिकॉज ये बहुत अच्छे से कवरेज देता है. अगर आप बिगनर हो तो इसे जरूर ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत इजीली ब्लेंड होता है और आपको ब्लेंड करने में टाइम नहीं लगेगा. ये आप मेकअप ब्रश से भी इजीली ब्लेंड कर सकते हो, ये आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो. आप चाहते हो तो अपने टिप ऑफ द फिंगर से भी इसे बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हो या किसी स्पंज की मदद से भी कर सकते हो. तो ये बहुत इजीली ब्लेंड होता है एंड बहुत अच्छा कवरेज देता है. सो दिस इज माय सेकंड रिकमेंडेशन. अब चलते कंसीलर में. और कंसीलर में मैं हमेशा बोलूंगी मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर. ये बहुत अच्छा कंसीलर है. अगर आप देखेंगे तो इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है. ये बहुत स्मूथली हम लगा सकते हैं और दिस लास्ट फॉर रियली लॉन्ग और ये मेकअप को बिल्कुल क्रीज भी नहीं करता. तो दिस इज अ रियली गुड कंसीलर. इफ यू आर अ बिगनर देन यू मस्ट ट्राई दिस. अब हम चलते हैं आईब्रो में. और आईब्रो के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी दिस नेक्स्ट पेंसिल. दिस इज अ नेक्स्ट आईब्रो क्रेयॉन पेंसिल. ये बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे इस साइड से आप बहुत अच्छे से शेप कर सकते हो अपने आईब्रोज को और इसी से फिल भी कर सकते हो और इस साइड से आप उसे बहुत अच्छे से शेप दे सकते हो. तो आप बिगनर हो तो इसे यूज करें क्योंकि बहुत इजी है यूज करना और आपको मेकअप में उतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी. तो ये निक्स का क्रेयॉन बहुत अच्छा है. इट वोंट लुक लाइक एज इफ योर आईब्रोज आर आर्टिफिशियल. सो इफ यू आर अ बिगनर यू मस्ट ट्राई दिस. अब चलते काजल में. काजल में आई एम गोइंग टू ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज सजेस्ट प्लम नेचर स्टूडियो ऑल डे वेयर काजल. मेरा इतना छोटा हो गया है. आई एम टेलिंग यू मेरे पास मैंने इसके कितने पीसेस यूज किए क्योंकि मैं हमेशा हर रोज अगर डे नॉर्मल डे में कहीं बाहर जा रहे हो, डेली और पार्टी में जा रहे हो, कहीं पे भी, ये मेरे ट्रैवल किट में भी मैं एक ही चीज रखती हूँ वो है ये. वो इसलिए क्योंकि पूरे दिन आपकी आंखों में रहेगा, बिल्कुल नहीं निकलता, इट डजंट स्मज और इसे लगाने में बहुत इजी है और बहुत अच्छा. योर आईज लुक वेरी पिगमेंटेड, दिस स्पीक्स फॉर यू. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट दिस. अगर आप अच्छा काजल ढूंढ रहे हो विच इज गुड एंड ऑल्सो प्लम गुडनेस हैव रियली गुड प्रोडक्ट, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दिस. अब चलते हैं आईलाइनर की तरफ. आईलाइनर में मैं सजेस्ट करूंगी लॉरियल आईलाइनर. दिस इज मैजिक लाइनर और ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है. मैं हमेशा लगाती हूँ, आज भी मैंने यही लगाया है. इसका जो एप्लीकेटर है बहुत थिन है तो बहुत अच्छे से ये लगता है. इफ यू आर अ बिगनर एट मेकअप और आप विंग लाइनर वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो इससे बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हो. ये ज्यादा महंगा भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा लास्ट
लास्ट भी करता है. सो दिस आईलाइनर इज माय सजेशन फॉर यू ऑल. अब चलते हैं मस्कारा की तरफ और मस्कारा में मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी दिस मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन. दिस इज अ फॉल्सीज पुशअप ड्रामा मस्कारा. ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है क्योंकि ये आपके लैशेस को बहुत अच्छे से सेपरेट भी करता है और उसे बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसा एक कर्व भी देता है और बहुत अच्छे से पूरे लैश को अच्छे से कवर करता है और ये बहुत लास्ट भी करता है. ऐसा लगता है कि आपने कोई फॉल्स आईलैशेस लगाए तभी इसे कहते हैं फॉल्सीज पुशअप ड्रामा मस्कारा. सो दिस इज अ वेरी गुड मस्कारा. अगर आप किसी ओकेशन वगैरह में जा रहे हो तो आप इसे जरूर लगाइए क्योंकि ये आपकी आंखों को एक एक्स्ट्रा और बहुत ब्यूटीफुल लुक देगा. सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर मस्कारा. अब चलते हैं कॉन्टोर और हाईलाइट की तरफ. अगर आप बिगनर हो और आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो मेरी तरफ से ये सजेशन है, दिस इज अ लॉरियल कॉन्टोर विद अ हाईलाइटर. ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर और कॉन्टोर है. मेरा थोड़ा सा टूटा हुआ है. ये बहुत अच्छे से कॉन्टोर करता है, आपकी जॉ लाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है. इवन द हाईलाइटर, अगर आप हाईलाइटर को थोड़ा सा यहाँ पे लगाओगे चीक बोन्स ऑन द टिप ऑफ योर नोज फोरहेड चिन इन योर क्यूपिड्स बोन्स बहुत अच्छे से ये बहुत सुंदर लगता है. इट्स अ वेरी गुड किट. आपको एक प्राइस में दोनों मिल रहा है एंड दिस लास्ट फॉर रियली लॉन्ग टू. तो ये मेरी तरफ से पक्का सजेशन है क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. अब ब्लश की तरफ चलते हैं तो मैं ये रेकमेंड करूंगी फिर मिलानी और ये शेड है टी रोज जो हर एक स्किन शेड को बहुत अच्छे से सूट करेगा. ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लोटस शेप में है. मैं हमेशा इसे सजेस्ट करती हूँ. अगर आप मेरे प्रीवियस बिगनर्स किट मेकअप को भी देखोगे मैंने वहां सजेस्ट किया होगा. मैं हमेशा इसे यूज करती हूँ वो इसलिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कलर है और ये बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड होता है और ये बहुत ही ज्यादा लास्ट भी होता है. सो इट लुक्स लाइक एज इफ यू हैव natural pink. So if you are looking for a blush then go for this because this is a very good beautiful blush. एक time invest कर रहे हो तो अच्छा करो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा blush है. और अगर lipstick की बात करें तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा suggestion इसलिए नहीं दिया क्योंकि हर किसी की पसंद, हर किसी का colors में पसंद बिल्कुल बहुत different होता है. मैं बस ये suggest कर सकती हूँ कि sugar cosmetics के lipsticks बहुत अच्छे हैं और बहुत ब्यूटिफुल रेंज ऑफ कलर्स दे है. तो अगर आप कुछ अच्छा एज अ बिगनर लिपस्टिक ढूंढ रहे हो देन ट्राई फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स बिकॉज दे हैव रियली गुड लिपस्टिक. आई एम नॉट शोइंग एनी हियर बिकॉज एवरी वन हैज डिफरेंट चॉइसेस एंड सम लिपस्टिक मे नॉट सूट सम काइंड ऑफ स्किन टोन. तो आप जरूर ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं. दे हैव ब्यूटिफुल कलेक्शन. So guys, ये था मेरा सजेशन फॉर बिगनर्स मेकअप किट. सारे प्रोडक्ट्स के नाम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी अलॉन्ग विद द लिंक. ये नायका और अमेजोन में बहुत इजीली मिल जाएगा स्पेशली नायका में बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे एली गर्ल वगैरह नायका में बहुत सस्ता है. अगर सेल में लोगे तो बहुत अच्छा होगा. तो दिस वॉज माई सजेशन, अ वेरी क्विक सजेशन. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. Before you go, please do not forget to subscribe. आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए और please please मुझे support कीजिए. Thank you so much for watching. I'm going to see you all soon with more videos. Till then, bye.